लाइए डंडा, डंडा लाइए सानू डंडा, डंडा मार के अरे पूरा ले कन्नौज जिले की तिरवा क्रॉसिंग पर रेलवे ट्रैक के पास एक चाय की दुकान है जहां पर आरपीएफ थाना प्रभारी ओम प्रकाश मीना अपने हमराह सिपाही के साथ पहुंचे हुए थे। इस दौरान वो कूड़ा जलाने को लेकर एक गरीब के साथ बदसुलूकी करने लगे। जब इस बात की जानकारी वहां पर मौजूद एक पत्रकार को मिली तो वो इस पूरे मामले का कवरेज करने पहुंच गया। ये बात शायद थाना प्रभारी को अच्छी नहीं लगी और वो उससे भी बदतमीजी करने लगे। सुनिए क्या था पूरा मामला। अजय जी, अभी मारपीट का मामला सामने आया था, क्या पूरा प्रकरण था, शुरू से क्या हुआ था? दरअसल हमारे पत्रकार साथी नितिन मिश्रा वहाँ तिरवा क्रॉसिंग पर एक आरपीएफ के जवान वहाँ एक व्यक्ति को मारा, तो ये अपना वहाँ कवरेज करने लगे। उसमें वहाँ जो थाना प्रभारी हैं आरपीएफ के, उन्होंने उनके साथ बदतमीजी करी, हाथ भी चलाया, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं बोले। उन्होंने यही कहा मैं पत्रकार हूँ और मैं कवरेज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो सारे पुलिसकर्मी आमादा हुए उन्हें मारने के लिए। जैसे तैसे वो वहाँ से भाग के आए, इसके बाद साथियों को जानकारी हुई तो कुछ साथी वहाँ पर उनसे बात करने के लिए गए कि ये इस तरीके से अभद्र व्यवहार क्यों कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जैसे ही वो लोग पहुँचे हैं बात करने के लिए आरपीएफ थाने में, तो वहाँ पर उन्होंने सीधे सीधे लाठियाँ चालू कर दी पत्रकारों के ऊपर। वहाँ मिश्रा की चोट लगी, एक पत्रकार साथी को तो उन्होंने जबरदस्ती 10-12 पुलिस वाले थे तो उनको जो है उन्होंने घसीट लिया और कमरे में ले जाकर उसको बुरी तरीके से मारा पीटा, तो उनकी शर्ट फाड़ डाली। इसके बाद हम लोग थाने में कोतवाली में रिपोर्ट लिखाने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ उन्होंने कहा है आरपीएफ का मामला है तो यहाँ से कार्रवाई नहीं हो पाएगी। जिला अस्पताल में आप लोग आए हुए हैं? हाँ, जिला अस्पताल में रिपोर्ट कराने के लिए आए। कितने घायल हुए पत्रकार? 4-5 लोग घायल हुए, 7 लोगों का मेडिकल हुआ। उन्होंने जंजीर छीन ली, हमारे साथी हैं कुलदीप जी की जंजीर छीन ली, पैसे जेब में थे वो निकाल लिए, ठीक है, नशे की हालत में थे। हाँ, वो सारे नशे की हालत में थे, यहाँ तक कि थाना प्रभारी भी है वो भी नशे में थे। कौन थाना प्रभारी है? ओपी में। इस घटना की जानकारी जब अन्य पत्रकारों को मिली तब वो इसकी शिकायत करने आरपीएफ थाने पहुंचे, लेकिन तब तक शायद थाना प्रभारी ओम प्रकाश की गर्मी शांत नहीं हुई थी और वहां भी आरपीएफ जवानों के साथ मिलकर उन्होंने पत्रकारों के साथ मारपीट की और जमकर हंगामा किया। इस पूरी घटना में कई पत्रकार बुरी तरह से घायल हो गए। पत्रकारों के साथ इस तरह की बदसुलूकी एक बड़ा मामला है। पत्रकार संगठनों का कहना है कि जब तक दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक वो चैन से नहीं बैठने वाले हैं। कन्नौज से यूपी तक के लिए नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।